हेलो फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर टेन ऑफ एथ स्टैंडर्ड इंग्लिश द थ्री सैक्स ऑफ राइस सो लेट देन स्टार्ट विद द लेसन यू मे हैव रीड मैनी स्टोरीज अबाउट थ्री ब्रदर्स आपने बहुत बार ये ऐसे स्टोरी सुनी होगी तीन भाइयों के बारे में यूजली टू ऑफ देम द एल्डर वन आर स्ट्रॉन्ग क्लेवर बट अनकाइंड ज़्यादातर उसमें से दो जो बड़े भाई होते वो क्या होते हैं स्ट्रॉ होते हैं एल्डर का मतलब होता है बड़े और यहाँ पे वो स्ट्रांग होते हैं क्लेवर होते हैं बट अनकाइंड होते हैं ओके मतलब स्ट्रांग मीन्स वो मजबूत होते हैं क्लेवर मीन्स होशियार होते हैं बट दैट मीन्स वो दयालु नहीं होते दे लाफ एट यंगेस्ट एट द यंगेस्ट वन एंड वो क्या होता है जो यंगेस्ट होता है दैट मीन्स सबसे छोटा भाई होता है उस पर वो हंसते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं बिकॉज ही इज़ टू सिंपल एंड सॉफ्ट हर्टेड उसका कारण क्या है क्योंकि वो क्या होता है टू सिंपल बहुत ही सीधा सरल होता है और सॉफ्ट हटेड होता है दैट मीन्स दयालु होता है अवर स्टोरी ऑल्सो हैज थ्री ब्रदर्स हमारे स्टोरी में भी कितने भाई हैं तीन भाई है हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन वो जहाँ वो कहाँ पर रहते हैं स्मॉल छोटे से गाँव में रहते हैं टाउन मीन्स गाँव बट दे वेर ऑल थ्री ऑफ देम होनेस्ट बट उसमें से क्या है तीनों के तीनों क्या है ऑनेस्ट है नम्र है बहुत ही सीधे साधे है काइंड एंड हार्ड वर्किंग सीधे साधे काइंड मीन्स दयालु और हार्ड वर्किंग मीन्स बहुत ही मतलब अच्छे से काम करने वाले ओके द एल्डर वन रैन शॉप एल्डर वन जो है सबसे मतलब बड़ा भाई है वो क्या करता है एक शॉप चलाता है दैट मीन्स दुकान चलाता है द मिडल वन वॉज प्रीएस्ट एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हीज एजुकेशन जो मिडल है दैट मीन्स बीच का जो भाई है वो क्या है प्रियस्ट है प्रियस्ट का मतलब जो मंदिर में काम करने वाले पुजारी होते हैं उसी तरीके से वो पुजारी है और दूसरा छोटा भाई जो है यंग गेस्ट सबसे छोटा जो है वो उसने क्या किया है उसका एजुकेशन उसका जो uh, शिक्षण है वो पूरा किया है फिनिश्ड मीन्स uh, अभी पूरा किया है उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ही हैड स्टार्टेड लुकिंग अप और जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड टू ली लर्न अ ट्रेड वो क्या कर रहा है अभी ही आर स्टार्टेड उसने अभी भी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया है उसको एक जॉब चाहिए नौकरी चाहिए किस लिए पैसे कमाने के लिए ओके okay? एंड uh, कुछ सीखने के लिए ओके ऑल थ्री ऑफ देम वेयर फाउंड ऑफ देयर मदर तीनों के तीनों भाई क्या है फॉन्ड ऑफ देयर मदर दैट मींस उनकी मम्मा जो उनकी माँ है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ओके शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप द थ्री ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ देयर फादर क्योंकि उसने बहुत ही आ, मतलब काम करके बहुत मेहनत करके उस तीनों भाइयों को बड़ा किया है क्योंकि उस तीनों भाइयों को उनके फादर नहीं थे उस उनके पिताजी गुजरने के बाद उनकी डेथ होने के बाद अचानक से उनके पिता की डेथ हो गई उसके बाद उनकी माँ ने उनको पाल पोष के बड़ा किया है बहुत ही मेहनत के बाद वन डे दे फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर एक दिन उनके पिताजी के फ्रेंड उनके पिताजी के दोस्त उनके घर पे विजिट करने के लिए आए उनको उनसे मिलने के लिए आए ही सेट सिस्टर यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रॉस्परस बिजनेस और उन्होंने बोला सिस्टर बहन आपको तो पता है कि मेरा जो बिज़नेस है मेरा जो व्यवसाय है वो बहुत ही पॉस्परस दैट मीन्स बहुत ही समृद्ध व्यवसाय है ओके दैट मीन्स मेरे पास बहुत ही ज़्यादा उनके पास उनका जो बिज़नेस है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है उनके पास बहुत सारे पैसे भी हैं ओके okay? बट नाउ आई एम लुक गेटिंग ओल्ड लेकिन अभी मैं क्या होगा हो रहा हूँ बूढ़ा हो रहा हूँ बूढ़ा होने को आया हूँ एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ अ मैरिजेबल एज एंड मुझे सिर्फ एक ही बेटी है एंड वो अभी क्या हो गई शादी लायक हो गई है मैरिजेबल एज की है आई एम लुकिंग फॉर हर सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हजबेंड टू माई डॉटर एंड ही वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल्थ आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ मैं अभी मेरे लिए एक सन इन लॉ ढूंढ रहा हूँ मेरे लिए एक दामाद ढूंढ रहा हूँ जो क्या करेगा मेरा जो अच्छा पति भी बन के रहेगा मेरी बेटी के लिए और वो मेरा बिजनेस भी अच्छे तरीके से संभालेगा आई लाइक ऑल योर सन्स मुझे आपके सारे बेटे पसंद है इफ़ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम बट देर फॉर देट आई हैव अ प्लान इफ़ यू परमिट अगर आप मुझे परमिशन देते हैं अगर आपकी आज्ञा है तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आई विल मैरी माई डॉटर देन मैं आपकी मेरी एक बेटी बेटी की शादी आपके एक बेटे से करना चाहता हूँ ओके okay? तीनों में से किसी एक बेटे एक के साथ मेरी बेटी की शादी करना चाहता हूँ बट देर बट बिफोर लेकिन उसके पहले दैट आई हैव अ प्लान मेरे पास क्या है एक प्लान है ही डिस्कस्ड द प्लान विथ हर एंड एग्रीड क्वाइट रेडिली अभी उन्होंने क्या किया उन तीनों भाइयों के आ, माता जी के साथ वो प्लान डिस्कस कर लिया और वो भी क्या हो गई जल्दी से तैयार हो गई उनने भी उसकी सहमति दे दी प्लान के लिए द नेक्स्ट डे अगले दिन द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन अभी जो उनके पिताजी के फ्रेंड थे वन बाय वन एक के बाद एक तीनों भाइयों से मिलने के लिए गए ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड माई डियर बॉय आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क उन्होंने क्या किया ही गिव देम ईच सैक ऑफ राइस ओके मतलब हर एक भाई को एक सैक दे दी एक जो हम थैली बोलते हैं वो दे दी राइस की ओके माय डियर बॉय बोला मेरे मेरे प्रिय बेटो आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स मैं यहाँ से कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ फॉर सम नेसेसरी वर्क मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मैं कुछ महीने के लिए जा रहा हूँ प्लीज़ लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई केम बैक तो मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक ये जो साइको ये जो थैलियाँ है राइस की वो संभाल के रखो उसका ध्यान रखो द फ्रेंड वेंट अवे वो चले गए उसके उनके पिताजी के फ्रेंड्स चले गए मैनी मंथ्स पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न बहुत मतलब बहुत सारे महीने चले गए ओके okay? तो लेकिन वो वापस नहीं आए इट वॉज नियरली ईयर बिफोर ही केम बैक वो लगभग एक साल के बाद एक साल होने को आया तब तो वो क्या गए? Came back. That means, आ गए केम बैक दैट मीन्स वापस आ गए ही विजिटेड द एल्डर एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट उन्होंने क्या किया फर्स्ट पहले सबसे बड़े भाई भाई से जाके मिले द एलडेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गिव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी द एल एल्डेस्ट ब्रदर ने उन्होंने क्या किया उनको उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया और उनको क्या दे दिया एक छोटी पर्स दे दी जो जिसमें पैसे भरे थे ओके अंकल यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी अंकल आपने जो मैं पीछे एक सैक का मतलब एक थैली छोड़ी थी राइस की मेरे साथ आफ्टर यू आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वॉज़ वरीड दैट इट मे बी यू इट मे गेट स्पॉइल्ड कुछ महीनों बाद मुझे ये चिंता सताने लगी मैं चिंतित हो गया क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो जाएंगे इट में गेट स्पॉइल्ड ये ख़राब हो जाएंगे सड़ जाएंगे देर फॉर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर्स इसलिए मैंने ये जो राइस है किस को बेच दिया मेरे कस्टमर्स को बेच दिए हियर हियर इज़ द मनी आई गॉट प्लीज़ एक्सेप्ट ये जो है उसके वो बेचकर ही मुझे पैसे मिले हैं तो प्लीज़ इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए ओके थैंक यू माई बॉय यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन तो वो क्या बोलते हैं अभी जो उसके पिताजी के फ्रेंड है वो उसको क्या बोलते हैं थैंक यू माई बॉय ओके आप क्या है क्या हो ऑनेस्ट पर्सन हो ओके नाउ नेक्स्ट देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर हु वॉज अ प्रेस्ट देन अभी वो फ्रेंड कहाँ चले गए जो छोटा भाई था उनके पास चले गए जो प्रियस्ट था जो पुजारी था मंदिर का द प्रियस्ट ग्रीटेड हिम विथ अ जॉय एंड अफेक्शन जो प्रियस्ट था उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया बहुत ही आनंद और आनंद के साथ उनका और प्रिय और प्यार के साथ उनका स्वागत कर दिया ही सेड अंकल रिमेंबर यू हैड लेफ्ट सैक ऑफ राइस विथ मी और उन्होंने उसने बोला अंकल आपको याद है आपने मेरे पास एक थैली छोड़ी थी राइस की एन ईयर अगो लगभग एक साल पहले आई हैड केप्ट इट फॉर मैनी मंथ्स मैं मैंने उसे बहुत सारे महीनों तक रखा वैसे ही संभाल के बट देन आई वॉज वरीड लेकिन उसके बाद मुझे चिंता होने लगी मैं चिंतित हो गया दैट इट मे गेट पॉइल मुझे लगा कि वो खराब हो जाएंगे वो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमोंग द पुअर इन योर नेम और मैंने क्या कर दिया वो जो राइस है जो पोअर गरीब लोग हैं उन उन्होंने उनमें बांट दिया आपके नाम से दे ऑल प्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देर हंगर वो सारे जो लोग हैं उनके आपको आशीर्वाद मिले क्योंकि उन, आपके नाम के आपके नाम से उनकी भूख मिट गया आपके नाम से मैंने जो उनको राइस बांटा था उनकी वजह से उनकी भूख मिट गई हाव एवर आई डिड दैट विदाउट योर परमिशन लेकिन ये मैंने जो किया है आपकी परमिशन के आ, मतलब बिना किया है ओके okay? एंड आई एम विलिंग टू पे योर बैग फॉर द राइस एंड मुझे आपको आपके राइस के बदले में कुछ देने की इच्छा है तो देखिए वो क्या बोलते हैं नो माई बॉय यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली तो वो बोले कि नो नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है आप तूने जो किया है आपने जो किया है वो क्या है बहुत ही अच्छा और वाइजली एंड काइंडली दैट मीन्स बहुत ही अच्छा और दयालु यलू uh, मतलब ये काम किया है द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनअ फॉर मी और मुझे जो गरीब लोगों से आशीर्वाद मिले हैं वो ही मेरे लिए काफ़ी है प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर लाइक अभी अब uh, पैसों के बारे में ज़्यादा मत सोचो वेंट द फ्रेंड वेंट विजिट द यंगेस्ट सन ही टू वेलकम हिम विथ लव एंड रिस्पेक्ट जब वो तीसरे भाई के पास चले गए जो एंगेज दैट मीन सबसे छोटा भाई था वो उसको विजिट करने, करने करने के लिए गए उससे मिलने के लिए गए तो उसने भी बहुत ही प्यार से उनका और आदरपूर्वक उनका स्वागत कर किया बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक लेकिन उसने बोला कि मुझे आ, मुझे पहले आपकी माफ़ी मांगनी है द सैक ऑफ राइस वॉज लेइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम जो आपने जो मेरे मुझे थैली दी थी वह मेरे पास बहुत ही दिन बहुत दिनों तक पड़ी हुई थी बट देन आई हैड एन आइडिया लेकिन उसके बाद मुझे एक आइडिया सूझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आई आई ऑफ्टन गो टू अ नेबर फार्म आर टू हेल्प विद द वर्क मैं हमेशा क्या कहा जाता हूँ मेरे बाजू में एक फार्म है खेती है वहाँ मदद करने के लिए जाता काम करने के लिए जाता हूँ जाता था आई बोरोड एंड अनयूज प्लॉट और मैंने वहाँ पे एक अनयूज प्लॉट था दैट मीन्स फील्ड खेती का जो छोटा थो, टुकड़ा होता है वो क्या कर दिया बोरोड दैट मीन्स कुछ समय के लिए ले लिया ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर किसी फार्मर के पास से वो कुछ समय के लिए ले लिया आई एक्सचेंज sack ऑफ राइस फॉर पैडी एंड sowed द पैडी इन द प्लॉट ओके तो उसने क्या कर दिया आई एक्सचेंज द ऑफ प्राइस फॉर पैडिंग और उसने जो राइस था वो वहाँ पे बो दिया प्लॉट में जो उसने ले लिया था बोरो करके फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड एलडेड ट्वेंटी फाइव सेक्स ऑफ राइस फॉर्चुनेटली दैट मीन्स वहाँ पे हम बोल सकते कि मतलब फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रो वेल फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली जो क्रॉप था वो धा मतलब जो उसने जो राइस के क्रॉप डाला था वो अच्छे से उगाया था एंड एडेड ट्वेंटी फाइव सेक्स ऑफ राइस एंड उसको उसकी जो फसल थी वो ट्वेंटी फाइव सेक्स ऑफ राइस मिले थे दैट मीन्स बहुत बड़े अमाउंट में उसको फसल मिली थी आई हैव केप्ड बैक फाइव ऑफ द सेक्स एंड सोल्ड ट्वेंटी ऑफ देम और मैंने उसमें से पाँच जो सेक्स थे पाँच गुनिया थी पाँच दो पाँच uh, जो थैली थी वो रखी थी और जो ट्वेंटी थी उसमें से वो बेच दिए थे इज़ द मनी और ये उसके पैसे हैं इफ़ यू अलाउ अगर आप मुझे परमिशन देते हैं अगर आप हाँ बोलते आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज़ माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट ऑल इट ऑल डन अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो उसमें से मैं कुछ पार्ट मेरे पास रखना उसमें से कुछ राइस में मेरे लिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए क्या किया है लेबर दैट मीन्स मैंने उसके लिए काम किया है ओके okay? और मैंने जो मतलब हार्ड वर्क किया है उसके लिए एंड जो मैंने उस पर पैसे खर्च के लिए खर्च किए हैं जो मुझे राइस जो उप उपजाने के लिए तो उसका उसके बदले में मैं मेरे, मेरे पास कुछ राइस रखना चाहता हूँ व वाइट स्माइल्स स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस और जो उनके पिताजी के फ्रेंड्स थे वो बहुत ही खुश हो गए उनके चेहरे पे बहुत ही वाइट स्माइल आ गए दैट मीन्स वो खुशी से हंस हंसने लगे ही हैड फाउंड हीज़ फ्यूचर सन इन लॉ और उनको उनका फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया उनको उनका दामाद मिल गया जो जैसे उनको चाहिए था उसी तरीके से उनको उनका दामाद मिला